अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ समन उस्मान। आज मैं जिस प्रोडक्ट का आपके साथ रिव्यू कर रही हूँ, इस क्रीम को कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो ना जानता हो। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कौन सी क्रीम है, वो है संदल वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम। और इसके ऊपर आप ये भी देख सकते हैं कि इसको ब्रांड ऑफ द ईयर और इसका अवार्ड भी मिल चुका है। और आप ये देख सकते हैं ये पीछे से ऐसे इसके ऊपर कितना शाइन और कितना चमका चमकी वाली इसकी डब्बी है, और इसकी प्राइस भी लिखी हुई है 230। तो और इसके ऊपर ये देखें ये लिखा हुआ है, संदल की इजाफी खूबियों के साथ रंग गोरा करने वाली मुनफरिद क्रीम। क्या क्रीम है यार। तो चलते हैं इसकी रिव्यू की तरफ। इसका रिव्यू थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो इसको यूज़ कर रही हैं, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊँगी, उसके बाद मैं वो बताऊँगी कि जो गर्ल्स इसको यूज़ कर रही हैं और जो गर्ल्स इसको यूज़ कर चुकी हैं उसके बाद उन्होंने क्या करना है, और जो इसको करने वाली हैं यूज़ तो वो क्या कैसे इसको यूज़ करें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक बॉक्स है और ये अंदर से खाली है। ठीक है, इसकी जो डब्बी आई डोंट नो वो किधर गई, तो इस वजह से मैं एक न्यू परचेस करके लाई हूँ। ठीक है, अच्छा ये किसने यूज़ की ये भी मैं आपको बताऊँ। इसको यूज़ किया है मेरी मेड ने यूज़ किया है, और दो तीन और लड़कियों ने यूज़ किया है, और मैंने इसको यूज़ किया है अपने हाथ और पाँव पे। तो उसके बाद तो मैं आपको यही कहूँगी कि इसको यूज़ मत करें। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा दूँ कि अंदर से किस तरह की होती है। मैंने न्यू ख़रीदी है आप लोगों को दिखाने के लिए। पैकेजिंग इसकी इस तरह से है और अंदर से ये ऐसी है। इसके ऊपर एक कवर लीड लगा हुआ है, और ये आप खुद ही देख रहे हैं जब अंदर से ही क्रीम ऐसी है, तो जब आप इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आपके फेस की कितनी बुरी हालत करेगी, तो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। अच्छा गर्ल्स, इसका असली और नकली का जो है ये, अगर किसी के सेंटर में से ऐसे बाहर को नुकीला सा उठा हुआ है ना, इट मीन्स कि ये असली है, और अगर नहीं है तो ये नकली है। ये भी इसके असली और नकली होने का है। तो गर्ल्स, मैं आपको ये क्रीम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। मेरे जानने वालों में या जिस जिसने भी इसको यूज़ किया है, इस क्रीम ने उनकी स्किन का इतना बुरा हाल किया है। ये एक इतनी बुरी क्रीम है कि उनकी जो स्किन है ना उस पर रेडनेस हो गई, उनको पिगमेंटेशन आ गई। आई डोंट नो वाई कि बहुत सारी ब्यूटिशियन इसको रिकमेंड करती हैं कि अगर किसी के पिगमेंटेशन है तो वो चली जाती है। जी बिल्कुल चली जाती है, जाहिर सी बात है, बट वो वक्ती तौर पर चली जाती है। उसके बाद अगर आप इसको छोड़ देंगे तो वो पिगमेंटेशन डबल होके वापस आएगी और साथ आपकी स्किन के ऊपर फैल जाएगी। तो पिगमेंटेशन के लिए आप इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। अगर ये रंग गोरा करना है तो विद इन 10 डेज, जो ये आपको कर रही है ना क्लेम की, 10 डेज में ये आपका कलर फेयर करेगी, ट्यूबलाइट जितना ही आपका कलर नो डाउट फेयर कर देगी। पर जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ना, ये आपकी स्किन के ऊपर इतने बुरे बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे आपकी स्किन के ऊपर, ऑयली स्किन वालों के तो साथ स्पेशली आपके जो हैं पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, आपकी स्किन के ऊपर हेयर्स आने लग जाएंगे, और आपकी मेच्योर स्किन हो जाएगी। अगर किसी की बेबी स्किन है और दोबारा उस स्किन को रिजनरेट होते हुए वैसे ही दोबारा से बेबी स्किन होते हुए कम से कम भी 3 से 4 साल लग सकते हैं। और अक्सर गर्ल्स की तो इसको लगाने के बाद इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि उनके ऊपर कोई मेडिकेटेड क्रीम बाद में असर ही नहीं करती। ठीक है, तो आप लोग इसे अवॉइड करें, इसके अंदर मर्करी होता है। अब ये किन गर्ल्स को सूट आती है? एक तो जिनकी ड्राई स्किन है उनको ये सूट आती है, दूसरा ये उन गर्ल्स को सूट आती है जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पे रहते हों। एशियन स्किन के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो समर्स हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसमें मर्करी होता है जिससे स्किन हीटअप हो जाती है, पिंपल्स, ओपन पोर्स, पिगमेंटेशन और ये सारा कुछ आने लग जाता है। अब जो गर्ल्स ठंडी जगह पे रहती हैं 24 घंटे 24 आवर्स, उनको तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, या कोई अगर यूरोप में रहता है तो उसको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टा ये उनकी स्किन के ऊपर ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। बट पाकिस्तान में रहने वाली, इंडिया या फिर जो भी एशियन कंट्रीज में गर्ल्स रहती हैं वो तो इससे अवॉइड करें। अब जो गर्ल्स कर चुकी हैं इसको यूज़ या कर रही हैं, तो वो इसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए क्या करें, एक तो इसको दो दिन छोड़कर फिर लगाएं, सेकंड जब भी इसको अप्लाई करें तो अपने फेस के ऊपर इसको अब्सॉर्ब मत करें, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल भी मत करें। आप इसको हल्की सी लेयर अपने स्किन के ऊपर लगा के ऊपर से रोज़ वाटर का स्प्रे कर लें ताकि इसका जो रिएक्शन होना है वो कम हो। चाहे समर्स हो चाहे विंटर हो, ठंडा रोज़ वाटर आप इसके ऊपर अप्लाई करें ताकि आपकी स्किन इसमें जो मर्करी ऐड है उससे जो है वो ना हो, हीटअप ना हो। इंग्रेडिएंट्स इसके जो हैं, जी बात है, इसके इंग्रेडिएंट्स ही नहीं लिखे हुए, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें
कहीं पर भी इसके इंग्रेडिएंट्स ही नहीं लिखे हुए। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये क्रीम कितनी बुरी होगी कि जिसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स ही नहीं लिखे हुए, वो हमारी स्किन का क्या हशर करेगी। अब जो गर्ल्स इसको यूज़ कर रही हैं वो साथ साथ और कोई मेडिकेटेड क्रीम यूज़ मत करें, कोई भी और चीज़ यूज़ मत करें, वो जस्ट एक अच्छा सा क्लेंज़र ले लें। मैं आपको उनको एक अच्छा क्लेंज़र डर्माकॉज का जो है वो बताऊँगी, बिकॉज वो हर्बल है। आप अपनी स्किन को हर 2 दिन बाद क्लेंज करें, स्क्रब करें, हल्का सा स्क्रब करें। बल्कि अगर आप ये क्रीम अप्लाई करें तो आप जस्ट क्लिनजिंग करें, आप स्क्रब मत करें, आप कोई फेशियल यूज़ मत करें, कोई ब्लीच यूज़ मत करें, कोई स्किन पॉलिश यूज़ मत करें जब तक आप इसको अप्लाई करें। जस्ट क्लिनजिंग करें और मास्क अप्लाई करें। आप मुल्तानी मिट्टी मड मास्क अप्लाई कर सकते हैं, संदलवुड का कर सकते हैं, या कोई भी अच्छा सा मास्क जो है लेकर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है इस क्रीम का, या इस किस्म की जितनी भी मरकरी वाली या फेयरनेस क्रीम है, उनका साइड इफ़ेक्ट एक ही चीज़ से आप रोक सकते हैं, एक अच्छे मास्क से, होम रेमेडीज़ से। आप घर में होम रेमेडीज़ यूज़ करें। अच्छा, क्योंकि इसको लगाने से स्किन हीटअप हो जाती है, पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, हेयर ग्रो स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे स्किन के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो बचने के लिए ये कि आप सनब्लॉक यूज़ करें। इंशाल्लाह मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो बेस्ट बेस्ट जो सनब्लॉक है उसके ऊपर आने लगी है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आप धूप में बिल्कुल मत जाएं, अपनी स्किन के ऊपर पसीना स्वेटिंग तो बिल्कुल आने दें। जैसे स्वेटिंग आने लगे, जब तक आप ये क्रीम यूज़ करेंगे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो आप ठंडे पानी से जो है अपने मुंह को 1 घंटे 2 घंटे बाद, स्पेशली इन समर्स, आप इसको धोते रहें अपनी स्किन को। और जो इसको अप्लाई कर रही हैं गर्ल्स, उनको ये भी पता होगा कि आपको विंटर्स में भी पसीना आता है, तो आप विंटर्स में भी गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी से अपने मुंह को धोएं। जब तक आप ये क्रीम यूज़ करें आप अपने मुँह पर गर्म पानी मत लगाएं, आपको आपकी स्किन जो है ना वो उतर जाएगी और पीछे से वेंस आना स्टार्ट हो जाएंगी, रेडनेस हो जाएगी, और स्किन का पूरा हशर, पतली सी लेयर आपकी स्किन के ऊपर बच जानी है, और दोबारा से स्किन को जनरेट होते होते भी 3 से 4 साल लग जाएंगे, इतना टाइम। और तब तक भी 3-4 सालों के दरमियान में पता नहीं क्या क्या कुछ आपकी स्किन के साथ होगा, मतलब ये इतनी बुरी है, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। जो इसको यूज़ करनी है तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसको छोड़ दें, बट इसके साथ जो जो मैंने बताए हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स रोकने के लिए होम रेमेडीज़, वो सब साथ की साथ आप यूज़ करें, ठीक है। बहुत बुरी है। अच्छा, फिर मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसको चेक किया हैंड एंड फुट के ऊपर, हाथों और पाँव पे तो बिल्कुल भी मत लगाएं। हमारा जो पाँव है उसकी स्किन जो थी वो सबसे ज़्यादा सख्त होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी बॉडी के। ये उसके लिए भी जो है ना ये स्किन, ये एक वाली क्रीम सूट नहीं आई, जबकि ये क्रीम उन गर्ल्स को बहुत ज़्यादा सूट आती है जिनकी स्किन के ऊपर आप स्किन पॉलिश कर लो कलर आता ही नहीं है, ठीक है ना। ढीठ किस्म की जिनकी स्किन होती है ना, ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये क्रीम, इस किस्म की क्रीम सूट करती है, उनके कोई रिएक्शन नहीं होते। बट ये यकीन करें कि मैं उनको भी रिकमेंड नहीं करूंगी। किसी एज की टीन एज गर्ल्स तो बिल्कुल भी इसको यूज़ मत करें, बेड़ा गर्क हो जाएगा आपकी स्किन का, बहुत बुरा। इसको आप प्लीज़ ख़रीदना बंद कर दें, तो ये शायद आना भी बंद हो जाएगी। कि जिन गर्ल्स को नहीं पता वो इसको यूज़ कर रही हैं और वो गोरी गोरी हो तो जाती हैं, बट बाद में उनकी स्किन की हालत बहुत बुरी हो जाती है, ठीक है। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।